हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ चिकन सूप की रेसिपी। तो ये रेसिपी आज मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि ठंड का मौसम आ चुका है, और ठंड का मौसम जब स्टार्ट होता है तो हम लोग बहुत जल्दी से बीमार पड़ते हैं, ठंड लग जाती है। तो उस टाइम पर मन करता है कि कुछ गर्म गर्म सा सूप लिया जाए, तो इसीलिए मैंने ये सूप बनाया है। तो ये सूप बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही अच्छा बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिए हैं चिकन। तो चिकन पीसेस जो मैंने लिए हैं, इनको छोटा छोटा पीसेस में मैंने कट कर लिए, और कुछ पीसेस यहाँ पर बोन्स वाले पीसेस हैं। ठीक है, तो बोन्स वाले पीसेस सूप में होने ज़रूरी हैं। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर कुछ कलरफुल वेजिटेबल्स लिए हैं। तो जो सब्जियां मैंने इसमें ऐड की हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर मैंने लिया है कॉर्न्स। ठीक है, उसके साथ में मैंने लिया है ब्रोकली। तो इस टाइम पर तो ये सारी सब्जियां बहुत ही अच्छी आती हैं। चेरी टोमेटोज लिए हैं मैंने यहाँ पर, इनको मैंने दो पीसेस में कट कर लिया है। साथ में मैंने लिया है यहाँ पर कैप्सिकम, तो छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। एक अंडा लिया है मैंने, और इसके साथ मैंने यहाँ पर लिया है कैबेज और लिया है गाजर। तो छोटे छोटे पीसेस में ही मैंने सबको कट करके रखा है। और यहाँ पर ढेर सारा करके लिया है मैंने गार्लिक, साथ में लिया है मैंने स्प्रिंग आनियन, प्याज के पत्ते और लहसुन के पत्ते जो होते हैं उनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखा है। इसके साथ में ही मैंने रखा है साइड में, आप देख सकते हैं, जिंजर, तो उसको मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर लिया है मैंने फ्रेंच बीन्स। तो ये जो सारी ही सब्जियां हैं इनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो ये सब सब्जियां हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ, कुकर में मैंने ऐड कर दिया है चिकन। अब चिकन के साथ साथ यहाँ पर जितनी भी सब्जियां मैंने रखी थी वो सारी की सारी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो एक के बाद एक करके मैं सारी सब्जियां ऐड कर रही हूँ, और अब मैं इसमें ढेर सारा पानी ऐड करूंगी। तो एटलीस्ट मैं यहाँ पर 1.5 लीटर के बराबर पानी ऐड करूंगी, और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है मैंने। और अब मैं इसे थोड़ा मिक्स करने के बाद इसे मैं कवर कर दूंगी, और 4 से 5 सीटी मैं इसमें लगाऊंगी। तो 4 से 5 सीटी के बाद हम इसे ओपन करके चेक करेंगे। अब उसी कुकर में मैंने यहाँ पर बटर ऐड किया है, और जैसे ही ये गरम हो गया है तो मैंने यहाँ पर जो भी आप देख सकते हैं, जो भी मैंने सब्जियाँ बॉईल करके रखी थी, और जो चिकन था चिकन को मैंने श्रेड कर दिया है, और उसकी जो बोन्स है मैंने हटा दी हैं, और इसका जो पानी था वो मैंने साइड में रखा है, और अभी जो मैंने सब्जियाँ बॉईल की थी उन्हें मैं अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ बटर के साथ। तो बटर के साथ जब हम इन सब्जियों को फ्राई करते हैं ना, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ में एक तेज पत्ता मैंने यहाँ पर ऐड किया है, तो इन्हें हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। और ये जो सारी सब्जियां हैं ना, जब इसमें मैं पानी ऐड करूंगी तो बहुत अच्छे तरीके से ये गल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं मैं इसको किस तरीके से फ्राई कर रही हूं। और यहाँ पर थोड़ा सा नमक मैंने ऐड किया है, नमक अगर हमें आगे भी जरूरत होगी तो हम ऐड कर सकते हैं। तो मिक्स कर लूंगी मैं इनको, और इसके साथ साथ जैसे ही ये फ्राई हो चुका है तो मैं अब यहाँ पर जो इसका जो पानी था जो मैंने बॉईल किया था सब्जियों को और चिकन को, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब यहाँ पर मैं ऐड करने वाली हूँ ब्लैक पेपर पाउडर। तो आप देख सकते हैं इसका सूप जो भी बना है, जो पानी है इसका, इसमें कितना अच्छा एक कलर भी आ गया है सारी सब्जियों का। और अब मैं इसे कवर कर देती हूँ 3 से 4 मिनट के लिए। अब आप देख सकते हैं इसमें बॉईल आ गया है, तो हम इसे कवर कर करके पकाएंगे थोड़ा। तो इस तरह का सूप जो होता है सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है पीने में, खाने में, और जब ठंड लगती है तो और ज्यादा अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पर मैंने एक
हल्का सा मैंने मतलब यहाँ पर एक चम्मच के बराबर लिया था कॉर्न स्टार्च, तो मैंने उसको पानी बनाकर इसे मिक्स कर दिया इसमें, जिससे कि हल्का सा थोड़ा इसका जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा थिक हो जाए, और हल्का सा नमक ऐड किया, और थोड़ा सा मैंने इसमें दोबारा से ऐड किया है ब्लैक पेपर पाउडर। तो ये जो सूप होता है ये थोड़ा सा तीखापन इसमें आएगा तभी ये अच्छा लगेगा, और साथ में मैंने इसमें बीच में ऐड कर दी थी 2 हरी मिर्च। और अब जैसे कि यहाँ पर ये रेडी हो चुका है, तो अब मैंने यहाँ पर ऐड किया है अंडे को, फेट लिया था, और अंडे को फेटने के बाद मैंने उसे डायरेक्टली इसमें मिक्स कर दिया है, जिससे कि एक जो मार्केट वाला रेस्टोरेंट वाला जो एक सूप का टेक्सचर आता है वो इसमें आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने चिकन सूप बनाया है वो बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसमें लास्ट में ऐड कर रही हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं जो मैंने प्याज और लहसुन के जो पत्ते थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। तो 5 मिनट के लिए अभी मैं इसे कवर कर दूंगी, और इसके बाद मैं आपको बोल में ट्रांसफर करके दिखाती हूँ। तो ये जो सूप है बनकर रेडी हो चुका है, तो मैंने यहाँ पर इसे बोल में ट्रांसफर कर लिया, और आप देख सकते हैं मेरा जो चिकन सूप है बनकर रेडी है, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी हुआ था, और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। सर्दियों में ये खाने से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलती है और हम ठंड से बचे रहते हैं, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये चिकन सूप की रेसिपी कैसी लगी। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।